न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है पिछले बुधवार को हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका के संसद पे जो हमला किया उस हमले से उत्पन्न हुए परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवीर हैं। प्रवीर आपका स्वागत है अ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो बुधवार को जो हमला हुआ उस हमले के पीछे के मूल कारण क्या हो सकते हैं और अगर हम कुछ उसको समझना चाहें हमारे हिंदी में जो दर्शक है उनके लिए और वो जो हमला हुआ उसका अमेरिका की राजनीति पर खास करके जो घरेलू राजनीति है उस पर क्या असर हो सकता है देखिए ये तो बहुत दिन से ट्रम्प बिल्डअप कर रहा था इस बात पे कि वो चुनाव हारा नहीं जीता है तो वो जो उसकाशन था कि मैं जीता हूँ और मेरे से चुनाव गलत तरीके से छीना जा रहा था छीना जा रहा है ये प्रचार वो हर प्लेटफॉर्म से कर रहा था और उसके इस प्रचार में ये भी सही बात है कि काफ़ी बड़ा संख्यक रिपब्लिकन समर्थक इसके साथ जुड़े थे और रिपब्लिकन पार्टी पे ये दबाव था कि ट्रंप के साथ खड़े हो और ये चीज़ को बोलो कि एक्चुअली इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है और ट्रंप एक्चुअली वाकई जीता है हरा नहीं है तो हर तरीके की जो कोशिश उसकी उसका इस, इस रास्ते में था वो नाकाम निकला करीब इकसठ साठ इकसठ केस कोर्ट्स में फाइल हुए हैं खास तौर से उन स्टेट्स में जहां कह सकते मार्जिन ऑफ विक्ट्री जीत की जो मार्जिन है वो काफी कम था बाइडेन की पर ये सब के बावजूद जो कोर्ट्स जो कोर्ट्स में जजेस ट्रंप की निय नियुक्त की हुई है उन्होंने भी इसको इनकार इस इंटरवेंशन से इनकार कर दिया नकार दिया और कहा इस पर कोई दम नहीं है क्योंकि इसमें ना कोई सबूत है ना कोई इस पे कोई लीगल पॉइंट है तो हर तरीके से हारने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को लगातार उकसाया कि आप सड़क पे आओ इस पर अपना विरोध प्रकट प्रकट करो और उस दिन ये उसका डिमांड था कि जो कांग्रेस है उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी का जो ऑफिसर है प्रिसाइड करने वाला उस दिन माइक पेंस होगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उस दिन प्रिसाइड करता प्रेसिडेंट के इस चुनाव की फाइनल घोषणा जो होती है वो कांग्रेस में मेजॉरिटी के साथ होती है तो उसमें माइक पेंस अपना ये वाइस प्रेसिडेंशियल पावर जिसके अंदर ये नहीं है सिर्फ जो उनकी इलेक्टोरल कॉलेज की जो राय है उसमें सिर्फ रबर स्टैम्प एक तरह से लगाने की इस इसकी क्षमता में आता है और खास तौर से कांग्रेस की वोट भी जो पब्लिक पॉपुलर वोट है उसको नकार नहीं सकता तो ये जो एक कह सकते हैं एक फॉर्मल पावर कांग्रेस की है इस घोषणा की उसको एक्चुअली लो, लोगों को राय को उलट देने की मांग ट्रंप की थी और ट्रंप का इस मांग के साथ साथ उन्होंने मोबिलाइज किया था लोगों को उस दिन आने के लिए और दबाव कैपिटल में कांग्रेस जहां बैठती है उसके ऊपर दबाव डाले उसके अपर हाउस लोअर हाउस दोनों एक साथ मिलकर ये घोषणा करते हैं तो इसके जरिए आपने जो देखा हर जगह पे हर चैनल पे देखा अखबारों में आया तो उसमें साफ है कि ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स का जो आ, रास्ता था वो एक तरह से कामयाब हुआ क्योंकि लोग आए बड़े संख्या में आए और उसमें कैपिटल के ऊपर चढ़ाव किया और वहां पर उनकी पुलिस इसमें पूरी तरह से उसको रोकने से सिर्फ ना कामयाब ही नहीं रहा नाकाम नहीं रहा इसके साथ साथ एक तरह से बड़े किड्स ग्लब्स जिसे कहते बड़े नरम रास्ता इसके लिए अख्तियार किया उसको क्राउड कंट्रोल करने की जो कभी इस तरह के चीजों में होता नहीं है तो वहाँ भी एक लगता है ये तो सिंपथी पुलिस की उसकी तरफ थी ये तो पुलिस की जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं उनका ये तो नासमझी थी कही ये तो उसके भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि वाइट मोबिलाइजेशन हो रहा है इसके खिलाफ उस तरह सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए जो दूसरे प्रदर्शनों के साथ जो हो वहाँ पे चाहे ब्लैक लाइफ मैटर की जो प्रदर्शन हुए हैं वहाँ पर उस पर करें तो वो एक जो दबाव दव, डालने की कोशिश थी उससे दृश्य जो आपको देखने को मिला वो दुनिया में हर जगह पे है पर सवाल ये है कि इतने लोग आए क्यों और इतने साफ जो गलत चीज ट्रम्प कह रहे थे उसके पीछे इस तरह की मोबिलाइजेशन कैसे हो सकती है ये साफ है कि अमरीकी की राजनीति में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है और उस दरार में ट्रंप जैसे लोग निकल के आ रहे हैं जिनकी जिनका ये समझ है कि हमारा कह, कह सकते हैं कि गॉड गिवन राइट हमारी है रूल करने की हम ही इस देश की शासक वर्ग है और हमारी अधिकार होना चाहिए इसको रूल करने के इसके पीछे साफ साफ है कि वाइट सुप्रीमेसी की पॉलिटिक्स इस पे घुसा हुआ है कि ब्लैक्स और दूसरे लोगों की अधिकार जैसे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन जहाँ पर उनकी 15 से 18 परसेंट की वोट है थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है पर इससे ज्यादा वो ये उनका क्या कहते हैं उनको डिसाइज करके भी कुछ लोगों को रखा गया है उस अलग बात है इसके बारे में पर इन वोट्स को हम एक्चुअली कार्यान्वित न करें ताकि राजनीति में ये अपना रोल प्ले करे इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रेशर वाइट सुप्रीमसी की है कि हम माइनॉरिटी होते जा रहे हैं वो कह रहे हैं हालांकि बड़े पैमाने पर भी उनकी मेजॉरिटी है पर मेक्सिकन पॉपुलेशन भी जो कहते कह, कह, सॉरी Let that. और इसके साथ साथ पॉपुलेशन जो है तो स्पेनिश भाषाभाषी है स्पेनिश ऑरिजिन नहीं है स्पेनिश तो भाषाभाषी है लैटिन अमेरिका के दूसरे जगहों से जो आते हैं सेंट्रल अमेरिका के जो है तो उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए ये भी सही है कि जो सिर्फ वाइट पेरेंटेज जो अपने आप को कहते हैं वो वाले सेक्शन की पोलिटिकल नंबर्स अब मेजोरिटी तो है पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये एक वाइट हो पर हमारा हक ये है कि हम यह राज करें एक्चुअली सिंबल है और इस ये जो राजनीति है ये अमेरिका में हटने वाला नहीं है और ये भी है कि रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा सेक्शन वो ट्रंप के साथ इसलिए है कि इस चुनाव में ट्रम्प जो हारा है सही है हारा है पॉपुलर वोट में और भी बड़ी पैमाने पे हारे हैं पर इस हार के बावजूद इतना बड़ा संख्या में वोट किसी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पिछले 20 साल में नहीं मिला तो ये देखते हुए आई थिंक यू बेटर चेक दैट आल्सो वेदर इट इज ट्रू ही हैड मोर वोट्स देन ओबामा ओके आई थिंक सो बट यू कैन यू नीड टू चेक दैट तो ये जो इतने बड़े संख्या में ट्रंप को इस पिछले चार साल की इसकी पॉइजनस राजनीति की बावजूद जितने बड़े पैमाने में वोट मिला है ये देखते हुए ये रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा सेक्शन ट्रंप के साथ इसलिए है उनको लगता है उसका विरोध करेंगे तो उनकी मास बेस चली जाएगी तो ये देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी एक हिसाब से ट्रंप की पॉलिटिक्स की कैप्टिव बन चुके हैं और यही एक बहुत बड़ा चिंता की बात है अमरीकी जन जनमत के लिए कि किस रास्ते पे अमेरिका जाएगा जो अपने आप को कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी की एकदम क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन है दुनिया में हर जगह पे हम जनवाद बताते हैं तो वो अमेरिका में खास तौर से अब किस रास्ते पे जाएगा यह डेमोक्रेसी ये एक प्रश्न चिन्ह के सामने हमारे सामने इस वक्त अमेरिकन जनता के सामने भी है तो जो आपने आखिरी बात कही उसी से हमारा दूसरा प्रश्न उभरता है कि अमेरिका को माना जाता है कि दुनिया की सबसे महान दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है तो बुधवार को जो हुआ उसको लेकर इस जो छवि है अमेरिका की जिसको कहते हैं कि अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर है अमेरिका तो मिलिट्री पावर है ही आर्थिक पावर है ही और वो एक सॉफ्ट पावर भी है तो क्या जो बुधवार को हुआ उसका उस पे भी कुछ असर पड़ेगा और हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्रोग्रेसिव सेक्शंस में डिबेट भी होता है इस चर्च को लेकर कि अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर जो पूरी दुनिया में जो अपनी राजनीति करता है उस पे इस घटना का क्या कुछ असर हो सकता है देखिए मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था इस बात पे कि जनतंत्र की जब बात हम करते हैं जो डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं तो सवाल है अमेरिकन डेमोक्रेसी शुरुआत उससे स्लेवर होता है कि स्लेव की वोट नहीं है औरत की वोट नहीं है इससे अमेरिकन डेमोक्रेसी शुर। शुरुआत होता है उसका और एक हिसाब से स्लेव ओनिंग डेमोक्रेसी है कि जो लोगों ने डिकलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ साथ बिल ऑफ राइट्स लिखा था तो उसमें ये लोग स्लेव ओनर्स थे और औरत को उन्होंने वोट नहीं दिया था उसमें भी तो था ऑल मेन आर इक्वल इसके बाद ये कोर्ट में जाता है कि ऑल मैन अगर इक्वल हैं तो स्लेव्स के की भी राइट्स हैं तो तब उन्होंने जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि ऑल मैन आर इक्वल कि बट जो काले लोग हैं वो थ्री फिफ्थ ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरा हंड्रेड परसेंट ह्यूम नहीं है थ्री फिफ्थ ह्यूमन है सिक्सटी परसेंट ह्यूमन है इसीलिए वो इस गिनती में नहीं आते तो इसकी तो शुरुआत है और उनकी औरतों को जो वोटिंग राइट्स ये भी बहुत बाद में मिला तो ये तो उसकी डेमोक्रेसी की छवि है और जिसके बाद आप जानते ही हैं तो वहाँ पर सेग्रीगेशन रहा बहुत दिन तक फिजिकली उनको अलग रख रखा जाता था उनको स्कूल्स उनके अलग थे उनके कहाँ बैठेंगे बस पे वो भी अलग थे तो ये पूरा जो एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी है वो कैसे इस तरह से एक छवि पेश करता है दुनिया में कि हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की सौदागर है, हमी है हम ही डेमोक्रेसी जानते हैं सबको हम डेमोक्रेसी की पाठ पढ़ाएंगे ये तो एक पहलू है और अभी भी ब्लैक मैटर में जो आप जिस तरह से आप सर्च हुआ है अलग अलग जगहों पर जो उसका एक पूरी रेजिडेंस रही है वो इस चीज को दर्शाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा देश सबसे एक ऐसा देश है सॉरी अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें ब्लैक कम्युनिटी कह सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में है तो सबसे परसेंटेज वाइज अगर किसी देश की जेल पॉपुलेशन देखें तो उसमें सबसे ऊपर अमेरिका है और जेल के एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन की है तो ये जो चीजें है वो दिखाता है अभी भी स्लेव ओनिंग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीपे फिर आता हूं स्लेव ओनिंग डेमोक्रेसी का छाप अभी भी अमेरिका में उसकी इस तथाकथित डेमोक्रेसी पे है ये ये बात नहीं है कि वहां पर अधिकार नहीं है कोर्ट्स में मूव करने का ये सब एक हिसाब से फॉर्मल ढांचा इन चीजों की है पर रियलिटी है पुलिस चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट्स हो तो उनकी रवैया जो रही है इससे साफ नजर आता है कि लीगल राइट्स तो है एक हिसाब से पर उस पर बहुत सारे सुराख कर दिए गए हैं जिसके जरिए ये डिस्क्रिमिनेशन वहाँ अभी भी जारी है तो ये डिसेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमारे कास्ट सिस्टम जिस तरह से है कि तथाकथित राइट्स तो है पर फिजिकली डिस्क्रिमिनेशन अभी भी अलग अलग तरीके से बरकरार है वहां भी एक तरह से यही और किसी ने इस बार पे के किताब भी लिखी है किसी ने इसको कंपेयर करते हुए कि ये दोनों कास्ट सिस्टम दोनों जगहों पे है तो एक तो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है पर जब बात आती है कि डेमोक्रेसी की तब अमेरिका हर जगह पे डेमोक्रेसी का ढिंडोड़ा पीटता है और अमेरिका के साथ साथ एक्सटर्नल दुनिया की अगर आप देखें तो अमेरिका जितने मुल्क को अटैक किया है जिसमें अपने सेने भेजे सेना भेजे हैं इसके किसी और मुल्क के साथ पिछले सत्तर साल सौ साल में इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं बनता सबसे ज्यादा दूसरे देशों को अटैक करने वाला ये तो उसके अंदर चेंज के नाम पे उनमें कू कराना मिलिट्री फोर्सेस को कहना आप कू करो इस तरह के जो जिन, जिन, जिन जो का, कारनामे है अमेरिका का पिछले सौ साल का इतिहास है हमारे सामने तो अब अब बात आ रही है बनाना रिपब्लिक की अगर बनाना रिपब्लिक की इतिहास आप थोड़ी सी इस गहराई में जाए तो ये ग्वाटामाला हॉन्डोरस इन जगहों पे जो बनाना की खेती होती थी उसमें यूनाइटेड फ्रूट कंपनी था जो इन मुल्कों पे पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था और जब भी चाहे सरकार को पलट के और कोई सरकार का लाता था अगर कोई सरकार इन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के खिलाफ कोई कदम उठाता तो वो सरकारों को गिरा दिया जाता बनाना रिपब्लिक की ये जो टर्मिनोलॉजी है इसी से आता है वो हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरीज है हॉन्ड हांड हॉन्डोरस में वो वह थे छः महीना क्यों थे वो अलग बात है छः महीना वहाँ पर थे तो उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज लिखा था बनाना रिपब्लिक के नामकरण इससे आता है और आप जानते ही है अरबेंस की सरकार को गिरा के आयशन हावर के वक्त पे वहाँ पर जो कू किया गया था उस कू लैटिन अमेरिका में बहुत जगहों पर रिपीट करने की कोशिश की थी क्यूबा में भी बे ऑफ पिग्स की जो कोशिश थी वही अराबन सरकार की गिराने की मॉडल पे थी तो बनाना रिपब्लिक की जब जॉर्ज बुश उन्होंने ये कहा है कि हम जब बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं एक हिसाब से एक इतिहास की एक क्या कह सकते तो प्रहसन है कि जो वो दूसरे देशों में कर रहे थे अब अपने देश में भी ये बात आ रही है कि हम भी उस तरह के डेमोक्रेसी बन गए क्या पर सवाल तो ये है कि अमेरिका की छवि एक घटना से इतने उस पर असर नहीं पड़ेगा सवाल यह है कि अमेरिका की जो दूसरे मुल्कों में जिस तरह से वो इंटरवीन करते थे उसके पीछे उनकी एक, एक इकोनॉमिक पावर थी तो वो अब कम होता जा रहा है अगर देखें तो पिछले 50 साल में अमेरिका की जो जीडीपी दुनिया की जीडीपी का अंश था वो अब उससे काफी नीचे आ गया है तो रिलेटिव पावर जो है इकोनॉमिक पावर में बंटवारा दूसरे तरह से हो रहा है खासतौर से चीन की राइज इकोनॉमिक राइज जिसे कह सकते भारतवर्ष की जीडीपी भी काफी बढ़ी है ये बड़े मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से और इनकी जीडीपी 200 साल अगर छोड़ दे कॉलोनियल पावर्स की तो जीडीपी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी बड़े बड़ा था तो वो उस वक्त इस जो है अमेरिका यूरोप की ये बोलबाला नहीं था जीडीपी ग्लोबल इकोनॉमी में तो ग्लोबल इकोनॉमी इनका इन्फ्लुएंस जैसे कम होता जाएगा क्या इनका मिलिट्री और सॉफ्ट पावर से क्या इसका मुकाबला कर पाएंगे अभी भी हकीकत तो है ये है कि हमारे पास जो खबर आती है दुनिया की वो आती है एफ पी रॉयटर्स ए से तीन ही ऐसे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है हम दुनिया को इसी लेंस से देखते हैं अमेरिका वेस्टर्न लेंस से हम दुनिया को देखते हैं उनकी राजनीति भी हम उसी लेंस से देखते हैं अपने लेंस से हम इनको देखते नहीं है न्यूज क्लिक के अलावा या पीपुल्स डिस्पैच के अलावा या कुछ ऐसे जो दूसरे जगहों पर संगठन है न्यूज संगठन है जो अलग एक दृष्टिकोण रखना चाहते इसके अलावा तो ये तो सॉफ्ट पावर की बात है उसके साथ साथ हॉलीवुड जो कि एक नया इतिहास तैयार करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ही जीता था और जर्मनी को हराया था सोवियत यूनियन की इतिहास को पूरी तरह से गायब कर देता कॉलोनियल इतिहास को पूरी तरह से गायब करके एक सिविलाइजेशन कैसे शुरुआत होती है जैसे अफ्रीकन राइटर्स कुछ है उन्होंने लिखा था हमारे इतिहास जब यूरोपियंस आए हैं तभी से हमारी इतिहास मानी जाती है उसके पहले के इतिहास किसी को हमें मालूम भी नहीं है हमारे मुल्कों की इतिहास था क्या तो ये जो एक इतिहास से लेकर एक दुनिया की एक क्या हुआ है वर्ल्ड वॉर तो बहुत पुरानी नहीं है ये जो चीज है जिसको आप सॉफ्ट पावर कह रहे हैं सॉफ्ट पावर क्या घटेगा टाइम लगेगा इस पर कोई दो राय नहीं है क्योंकि लोगों की मगज धुलाई हो चुकी है तो बहुत लोगों की ये तो वेस्ट के बारे में जो चिंता है कि सचमुच सिविलाइजेशन विज्ञान हर चीज दुनिया में इन्होंने ही रखा है ये एक समझ पैदा करने की कोशिश है और हमारी इतिहास भी दुनिया की इतिहास तो भूल जाइए हमारे इतिहास भी हम क्या इसी लेंस से देखेंगे या अलग लेंस से देखेंगे सचमुच हमारा इतिहास क्या है यह सवाल है तो मैं समझता हूं सॉफ्ट पावर की लड़ाई काफी लंबी रहेगी क्योंकि एक एक कैपिटल हिल पे के गुंडे वहां पर सवार हो गए और एक दिन की इससे पूरा वो उनका तस्वीर छवि जो है खराब हो जाएगी और एक अलग समझ निकल के आएगी ये होने वाला नहीं है ये लड़ाई अमेरिका के अंदर और दुनिया में अलग अलग तरीके से हो रहा है और उसके साथ साथ ये भी नहीं मानना चाहिए सिर्फ अमेरिका में हो रहा है अब देख ही सकते हैं चाहे हिंदुस्तान हो भारतवर्ष हो चाहे दूसरे मुल्कों में ब्राजील में बोल्सनारो हो ये राइट विंग जिसको कह सकते जिनका समझ है कि कुछ तबकों का सत्ता पे कुछ खास क्या कहते अधिकार है ये जो समझ है कि माइनॉरिटीज नहीं कुछ सेक्शंस की एक खास मेजोरिटी की एक सेक्शन की इस सत्ता पर रहने की पूरी इजाज़त है इतिहास की इजाज़त है ये वाइट सुप्रीमेसी अमेरिका में हमारे यहाँ आप देख सकते हैं एंटी माइनॉरिटी जिस तरह से चीजें पेश की जा रही है बोलसनारो वहां पर वो भी एक वाइट प्लांटेशन इकोनोमी से आते हैं ब्राजील में इस तरह के फिगर्स जो आ रहे हैं वो दर्शाता है कि ये लड़ाई काफी लंबी है सिर्फ अमेरिका वर्सेस दुनिया की लड़ाई इस पे हिसाब से नहीं है हमारी अंदर भी इस तरह के फोर्सेस है और इसीलिए दुनिया की ये जो लड़ाई है ये काफी बड़े स्टेज पे हो रही है अमेरिका उसमें एक एक कह सकते उसका एक हिस्सा है और इंटरेस्टिंग बात यही है कि अमेरिका इससे बाहर नहीं है पहले ये चीजें हमारे यहाँ होती थी उनके यहाँ लगता था कि ये नहीं है हालांकि वहां पर भी आप जानते हैं वियतनाम का वॉर पे सिविल राइट्स पे उसमें क्या क्या संघर्ष हुए हैं पर उस पर लगता था कि वो तो एक मामूली सी बात है मुख्य रूप से अमेरिका डेमोक्रेसी का बेस्टियन है गढ़ है वो चीज चीज जो है धीरे धीरे बदल रहा है वहां की लड़ाई हमारी यहाँ की लड़ाई दुनिया की अलग अलग जगहों की लड़ाई का दे आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी एक सूच से बांधा हुआ है वो अब साफ नजर आ रहा है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर देखते रहिए न्यूज क्लिप।